हाँ जी, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो जी आप सभी। तो सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम है हमारे आज के सेशन में, और जिन्होंने भी आपको लिंक दिया है आप उनको अपना स्क्रीन शॉट सेंड कर दो ताकि उनको कंफर्म हो जाए कि आप मीटिंग में बैठे हो और आपको वॉइस भी बिल्कुल क्लियर आ रहा है। जल्दी से स्क्रीनशॉट सेंड कर दो जिन्होंने भी आपको लिंक भेजा है, जिन्होंने भी आपको मीटिंग का लिंक भेजा उनको स्क्रीनशॉट सेंड कर दो और सभी अपना कैमरा ऑन करके मीटिंग में बैठो। चौहान, युवराज, सुमन, कोमल, मनीषा, कोमल प्रजापति, शिवानी राजपूत, कौशल यादव, कनिका, अनुराग, हिमांश अंशु अरोड़ा, रजत ठाकुर, कामना, सभी आप अपना कैमरा ऑन करके बैठो ताकि आप लोग अगर पूरा सेशन अटेंड करोगे तभी आपको क्लियर होगा। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मेरे बारे बताना चाहूंगा कि मेरा नाम गगन मेहता है। मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। दिल्ली में हमने अपना ऑफिस बनाया हुआ है और इस बिजनेस के अंदर मुझे काम करते हुए 7 साल हो चुके हैं। 7 साल पहले मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था और आज भगवान की दया से एक बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा हूँ। अगर आप लोग अब इस बिजनेस को समझना चाहते हो तो आप ये मीटिंग पूरी अच्छे से अटेंड करना क्योंकि मैं आप लोगों को बिजनेस बताने के लिए आया हूँ। ठीक है जी, मतलब आपको एक सलाह देने के लिए आया हूँ कि आप भी हमारी तरह एक बहुत बढ़िया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो अब वो आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि हाँ जी काम क्या है, किसके साथ बिजनेस करना है। तो मैं आपको पूरा क्लियर करने वाला हूं कि हम लोग कैसे काम स्टार्ट करेंगे, किस कंपनी के साथ काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो आर यू रेडी? मेरे ख्याल से आप सभी बिल्कुल तैयार हैं। हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो वेलकम है जी आप सभी का। मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगले 35-40 मिनट आप अपना सब कुछ भूल कर अपना पूरा मीटिंग पे ध्यान देना ताकि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। अगर आप लोग यहाँ पर फिजिकल कैमरा ऑन करके बैठे हैं और आपका माइंड कहीं और है तो आपको इस मीटिंग में कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो पूरी मीटिंग अच्छे से अटेंड करना, स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम है जी आप सभी का। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये क्लियर करना चाहूंगा कि आज की डेट में हर एक इंसान अपनी जिंदगी से चाहता क्या है, हर एक इंसान अपनी जिंदगी से चाहता क्या है। हर एक इंसान को चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम, चाहता है एक इंसान कि मेरे ऊपर कभी कोई कर्जा ना हो, मैंने किसी के पैसे ना देने हो और मेरे पास पैसे अच्छे होने चाहिए रनिंग एक्सपेंसेस के लिए, मैं अपनी जिंदगी को बहुत बढ़िया तरीके से बिता सकूं। मेरे पास टाइम फ्रीडम होना चाहिए, मैं किसी की बाउंडेशन में ना रहूं। मेरे पास एक सिक्योर प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि अगर भगवान ना करे अगर मैं इस दुनिया से चला भी जाऊं तो भी मेरे को कोई लॉस ना हो और मेरी फैमिली को कुछ ना कुछ पैसा आता रहे। हर एक बंदा एक अच्छी उम्र में, एक जवानी की उम्र में रिटायरमेंट लेना चाहता है। हर एक इंसान आज की डेट में पीस ऑफ माइंड चाहता है और हर एक इंसान नो बाउंड्रीज के साथ जीना चाहता है कि मेरे ऊपर किसी की कोई कंडीशन ना हो। लेकिन आज की डेट में ये चीजें हैं किसके पास? किसी के पास भी नहीं है। और ये सारी चीजें ना होने का रीजन क्या है, रियलिटी ऑफ आवर लाइफ, कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। आप लोगों को मैं सिर्फ एक ही चीज का क्वेश्चन पुट करना चाहूंगा कि भगवान ने हमें जिंदगी एक बार दी है, भगवान ने हमें जिंदगी एक बार दी है, लेकिन आप खुद बताओ क्या हम जिंदगी जी रहे हैं या काट रहे हैं? तो आप कहोगे नहीं, जिंदगी जी नहीं रहे, क्योंकि जिंदगी जीना किसको बोलते हैं कि आप अपनी मर्जी से जो आपको पसंद है आप वो खरीद रहे हो, जो आपको पसंद है आप वो डाल रहे हो, जो आपको पसंद है आप वो खा रहे हो, जो आपको पसंद है घूमने जा रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है, हम जिंदगी जी नहीं रहे, काट रहे हैं। उसका काटने का रीजन हमारी जेब में पैसा नहीं है। तो अगर हम लोग अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ अलग करना चाहते हैं, हम लोग भी अपनी लाइफ को बढ़िया तरीके से जीना चाहते हैं, तो कोई ना कोई किसी ना किसी अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ हमें जुड़ना पड़ेगा ताकि हम लोग भी वहां पर तरक्की कर सकें। तो वो प्लेटफॉर्म आज आपके आगे है। रीजन ऑफ कॉम्प्रोमाइज, इट वॉज नॉट लैक ऑफ एबिलिटी डैट लिमिटेड माई पीपल बट लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी।
सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास काम करने के लिए कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई अच्छा रास्ता नहीं है। आज की डेट में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो वेला रहना चाहता हो, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बेरोजगार घूमना चाहता हो, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो नशे करना चाहता हो। आ रही है बात समझ में? उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि हमारे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं है। सरकारी नौकरियां बिल्कुल खत्म होती जा रही हैं, बुरा हाल है। बिजनेस करने के लिए हमें अच्छा पैसा चाहिए, जो कि पैसा हमारे पास नहीं है। ठीक है जी, ये आपके आगे हालात है कि क्या नौकरियों के हालात है। बड़े से बड़े मतलब एजुकेटेड पर्सन के लिए नौकरियां नहीं है, जो बंदे पढ़े लिखे नहीं है वो तो बहुत दूर की बात है। तो आज मैं आपको जो अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाला हूं, उस अपॉर्चुनिटी के अंदर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलेगा, टाइम भी फ्रीडम मिलेगा, सिक्योर प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, और आप लोग भरी जवानी के अंदर ऐश भी कर सकते हो, और ऐश करते करते काम भी कर सकते हो, और रिटायरमेंट लेते लेते भी आप काम कर सकते हो। तो पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, ये सबसे पहले मैं आपके आगे जो आज शेयर करने जा रहा हूं, कोई स्कीम नहीं है, कोई रातों रात अमीर बनने वाला सिस्टम नहीं है कि आप यहाँ पर 2 रुपए के 4 रुपए कर लोगे, कोई शकलाका बुम बुम वाली पेंसिल नहीं मिलने वाली आपको कि आप यहाँ पर जी कुछ बनाओगे नोट बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक जेन्युइन बिजनेस है, आपकी मर्जी है। आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर सकते हो, फुल टाइम कर सकते हो, आपकी मर्जी है कि आप अपने फ्लेक्सिबल टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। सारा का सारा टोटली बिजनेस जो हम करेंगे वो सारा वाया सोशल मीडिया करेंगे। अब सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं, जिस कंपनी के साथ मिलकर हम लोगों ने पैसा कमाना है वो कंपनी क्या है, उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, वो कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या आते हैं, वो कंपनी के अंदर आप काम कैसे कर सकते हो, पैसा कैसे कमा सकते हो, इन सारी चीजों को हम लोगों ने समझना है। अगर आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई तो आपको बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जिस कंपनी के साथ हम लोगों ने काम करना है उस कंपनी का नाम है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। शायद आपने पहले इसके बारे जरूर सुना होगा, अगर नहीं सुना तो अच्छी बात है, अगर सुना भी है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि एक होती है इंफॉर्मेशन, एक होती है नॉलेज। व्हाट इज इंफॉर्मेशन? आगरा में ताजमहल है, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, बट क्यों बना, कब बना, किसके लिए बना, कितना पैसा लगा, कितना पुराना है, वो एक नॉलेज है। तो शायद आपके पास एक इंफॉर्मेशन हो सकती है, बट नॉलेज का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज होती तो आज आप इस कंपनी में काम कर रहे होते। तो मैं आपको यहाँ पर आज इंफॉर्मेशन और नॉलेज दोनों देने के लिए आया हूँ। सबसे पहले जिस कंपनी के साथ मैं अमीर बना, जिस कंपनी के साथ काम करके मेरी लाइफ चेंज हुई, आज से 7 साल पहले मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, और इन 7 सालों के अंदर मेरे को इस बिजनेस से करोड़पति बनने का मौका मिला। आज वही अपॉर्चुनिटी आज आपके आगे आई है, तो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में सबसे पहले आपको जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट हमारी कंपनी का नाम है। ये हमारी कंपनी के मालिक है मिस्टर रेक्स बोन, जिन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था 1978 के अंदर। अप्रोक्सीमेटली 45 साल पहले, 46 साल पहले ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, 46 साल पहले ये बिजनेस कभी अमेरिका से स्टार्ट हुआ था, और आज ये बिजनेस अप्रोक्सीमेटली 160+ कंट्रीज के अंदर चल रहा है। ठीक है जी, आप कहीं पर भी चेक कर सकते हो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट को, आप जर्मनी में चेक कर सकते हो, कनाडा में चेक कर सकते हो, दुबई में चेक कर सकते हो, जापान में चेक कर सकते हो, जहां आपका दिल करता है वहां पर आप फॉर एवर के ऑफिस सर्च कर सकते हो, टर्की, स्कैंडिनेविया, हर जगह पे। अब मैं बात करता हूँ इंडिया की, हम इंडिया में काम कर रहे हैं। इंडिया के अंदर फॉर एवर की एंट्री हुई थी सन 2000 के अंदर, आज से 24 साल पहले। इंडिया के अंदर इसकी टोटल 22 ब्रांचेज है। ठीक है जी, पूरी दुनिया के अंदर 4000+ ब्रांचेज है। आप कहीं भी किसी भी स्टेट में रहते हो तो आप अपनी स्टेट के आसपास आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हो, किसी भी ऑफिस के अंदर आप विजिट कर सकते हो, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। जो हमारा हेड ऑफिस है वो मुंबई के अंदर है, 74 हिल रोड, बांद्रा वेस्ट, मुंबई। दिल्ली के अंदर रजौरी गार्डन में हमारा ऑफिस है, क्योंकि हम लोग दिल्ली में विजिट करते हैं। तो अगर आप लोग कहीं अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप अलग अलग स्टेट में हमारे ऑफिस है, आप वहां पर विजिट कर सकते हो। उसके अलावा फॉर एवर के पास 80+ रिजॉर्ट्स है। मतलब कि मैं आप लोगों को ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट का बैकबोन जानना जरूरी है। हम एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम एक बिजनेस को समझने के लिए जा रहे हैं, तो अगर हमें उसका बैकग्राउंड क्लियर नहीं होगा तो शायद हमारे साथ कुछ गलत भी हो सकता है। क्योंकि एक कंपनी का, अगर आप किसी भी कंपनी के साथ मिलकर अमीर बनना चाहते हो तो पहले उस कंपनी का अमीर होना जरूरी है। अगर हम लोग अपनी सिस्टर की मैरिज करते हैं तो लड़के वालों का खानदान चेक करते हैं, लड़का करता क्या है,
लड़के की फैमिली क्या करती है, लड़के का बिजनेस क्या है, लड़के की प्रॉपर्टी कितनी है, क्यों? हमारी सिस्टर के करियर का सवाल है। सेम ऐसे ही हमारे भी करियर का सवाल है। हम ये नहीं है कि आज कपड़े का काम कर लेंगे, परसों एलोवेरा का काम कर लेंगे, फिर जूता बेचना स्टार्ट कर देंगे, फिर कबाड़ बेचना स्टार्ट कर देंगे। लोग हमें बिजनेसमैन नहीं कहेंगे, लोग हमें कबाड़िया कहेंगे। तो कभी भी किसी भी बिजनेस को अगर हम लोगों ने स्टार्ट करना है तो आप पहले उसका बैकग्राउंड जरूर चेक करो। तभी मैंने आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का बैकग्राउंड क्लियर किया कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बहुत पुराना सिस्टम है, बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत सारे देशों में चल रहा है, इंडिया के अंदर 24 साल हो चुके हैं, मतलब कि एक रिच कंपनी है। अगर आप एक रिच कंपनी के साथ काम करोगे तो आपके 90% चांस रिच बनने के। अब बात आती है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स क्या आते हैं, फॉरएवर बनाती क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को मैं पहले ये चीज क्लियर करना चाहूंगा, कोई भी कंपनी बिना प्रोडक्ट के ग्रोथ नहीं कर सकती। बिस्लेरी कंपनी के नाम से आपको पानी की बोतल याद आ जाती है, अमूल कंपनी के नाम से आपको बटर याद आ जाता है। हर कंपनी का कुछ ना कुछ प्रोडक्ट है, हर कंपनी का प्रोडक्ट है। कोको कोला के नाम से कोल्ड ड्रिंक याद आ जाती है, एयरटेल के नाम से सिम याद आ जाती है, हर कंपनी का प्रोडक्ट है। फॉरएवर क्या बनाती है? फॉरएवर बनाती है हेल्थ के प्रोडक्ट्स, फॉरएवर बनाती है वेलनेस के प्रोडक्ट्स। व्हाट इज वेलनेस? जो चीजें हमें बीमार होने से पहले हम यूज करते हैं वो वेलनेस से रिलेटेड होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन खाने के लिए डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं है, वो वेलनेस का पार्ट है। आ रही है बात समझ में? हम लोग स्पा सेंटर में जाते हैं, वो वेलनेस का पार्ट है। जो चीजें अपने शरीर को ठीक रखने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए यूज की जाती है, वो वेलनेस का पार्ट है। आप लोगों ने फेयर एंड लवली मार्केट से परचेज करते हो, किसी डॉक्टर से नहीं पूछते आपकी फेयर एंड लवली खरीदू या ना खरीदू, क्योंकि वो वेलनेस का पार्ट है। ऐसे ही फॉरएवर लिविंग के कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं, वो भी वेलनेस इंडस्ट्री के पार्ट्स हैं। बट व्हाई वेलनेस इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री इतना ग्रोथ क्यों ले रही है? आपके आगे मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। हमारे शहर के अंदर कभी एक जिम हुआ करता था, लेकिन आज गली गली में जिम खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे? क्योंकि आज की डेट में लोग उजागर हो रहे हैं अपनी बॉडी को लेकर। हमारे पहले गांव के अंदर, हमारे शहर के अंदर जब किसी की शादी हुआ करती थी तब एक लड़की ब्यूटी पार्लर में जाती थी, लेकिन क्या आज ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की डेट में कोई छोटा मोटा फंक्शन भी हो, लड़कियां ब्यूटी पार्लर में जाती हैं। जो चीजें अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए यूज की जाती हैं वो वेलनेस का पार्ट है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट भी हेल्थ के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, कोई भी मेडिकल प्रोडक्ट्स नहीं बनाती, ना ही हमारा कोई प्रोडक्ट किसी बीमारी को ठीक करता। अगर हम ये प्रोडक्ट्स एडवांस यूज करते हैं तो हमारी बॉडी में बीमारी पैदा ही नहीं हो, हमारी बॉडी की ताकत के लिए ये प्रोडक्ट्स है। बट इसका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, पहले हम इस बात पे गौर करेंगे। हाँ जी, खूब चलेगा। हेल्थ का बिजनेस चलेगा नहीं, दौड़ेगा क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, हमारे शरीर को 24 घंटे डाइट चाहिए, 24 घंटे हमें सांस लेने के लिए हवा चाहिए, 24 घंटे हमें दिन के अंदर 3 टाइम खाना चाहिए, रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए, फल फ्रूट चाहिए, जूस चाहिए, हमें पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए। लेकिन ये सारी की सारी चीजें पोल्यूटेड होती जा रही, सारी की सारी चीजें केमिकल वाली होती जा रही है, और ये ऐसी चीजें हो रही हैं जिनको आप छोड़ भी नहीं सकते। आज आपको पता लग गया कि रोटी के अंदर यूरिया स्प्रे की मात्रा बढ़ रही है, तो क्या आप रोटी छोड़ देंगे? आज आपको पता लग गया कि केला पहले तूड़ी में नरम होता था, लेकिन आज पोटाश में नरम हो रहा है, क्या आप केला खाना छोड़ देंगे? आज आपको पता लग गया कि शहर की हवा में सिगरेट के धुएं के बराबर जहर है, तो क्या हम सांस लेना बंद कर देंगे? नहीं, ये ऐसी चीजें हैं। आप सिगरेट छोड़ सकते हो, सांस लेना नहीं छोड़ सकते। आप कोल्ड ड्रिंक छोड़ सकते हो, पानी पीना नहीं छोड़ सकते। आप बर्गर पिज्जा मोमोज छोड़ सकते हो, बट आप रोटी खाना नहीं छोड़ सकते। लेकिन जो चीजें आप नहीं भी छोड़ सकते उनके अंदर ही प्रॉब्लम आ रही, तो इस वजह से हमारे शरीर के अंदर बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो हमारी कंपनी ने आज से अप्रोक्सीमेटली 46 साल पहले, 45 साल पहले एक प्रोडक्ट बनाया था जिसका नाम है एलोवेरा, एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल क्या करता है? आपने सबसे पहले इस चीज को समझना है। हमारे बुजुर्ग बोलते हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। पहला सुख निरोगी काया, मतलब मेरा कहने का यह है कि सबसे पहले शरीर है। एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं आपको, अगर आपके घर के बाहर फॉर्चूनर खड़ी है और आपकी किडनी खराब है, सबसे पहले आपको दोनों में से कौन सी चीज प्यारी लगेगी? आप कहोगे यार किडनी ठीक हो जाए हमारी। आ रही है बात समझ में? सबसे पहला सुख शरीर है हमारा। अगर
हमारे पास शरीर नहीं है, करोड़ों रुपए है, शरीर को ठीक करने के लिए करोड़ों रुपए खत्म हो जाएंगे। शरीर ठीक है, करोड़ों रुपए नहीं है, शरीर की वजह से आप करोड़ों रुपए कमा लोगे। तो शरीर का सबसे पहले ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एलोवेरा जेल हमारी कंपनी का सबसे पहला प्रोडक्ट है। आज से 46 साल पहले ये प्रोडक्ट आया था। ये प्रोडक्ट आपको समझना है कि करता क्या है। पैसा पैसा बहुत बाद की बात है, शरीर ठीक होएगा, पैसा कमाया जाएगा। तो सबसे पहले जिस प्रोडक्ट की वजह से फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट 160+ देशों में काम कर रही है, वो प्रोडक्ट करता क्या है? क्योंकि अकेला पैसों के दम पे कोई बिजनेस नहीं चलता, हमेशा बिजनेस चलता है प्रोडक्ट्स क्वालिटी के दम पे। ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आप इसका बिजनेस कैसे करोगे, आप इसके अंदर पैसा कैसे कमाओगे। सबसे पहले आप ये समझो कि एलोवेरा जेल अगर सुबह मैं उठ के खाली पेट पीता हूं तो ये करेगा क्या? ये सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा शरीर है। हम लोग कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, एक फूड पाइप है जो हमारे मुंह और पेट के साथ जुड़ा हुआ है, और वो हमारे पेट के अंदर खाना जा रहा है। हमारे पेट के अंदर दो प्रकार की आंत होती है, एक होती है छोटी आंत, एक होती है बड़ी आंत। अगर आपने हमारे बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा कि 90% बीमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो आपको यही बात बोलेंगे कि पेट से स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि पेट के अंदर छोटी आंत और बड़ी आंत है, क्योंकि पेट के अंदर मेन इंजन है, वो मेन इंजन ही सब कुछ पचाता है। समझ रहे हो मेरी बात? मेन इंजन ही सब कुछ पचाता है। तो यहां पर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये छोटी आंत का टुकड़ा दिखा रखा है किस तरीके से काम करता है। अब आप एक बात बताओ, आपकी उम्र आज 20 साल हो चुकी है, आज आपकी उम्र 30 साल हो चुकी है, आपको पता लग गया कि छोटी आंत का सबसे मेन रोल है, क्योंकि छोटी आंत ने ही रोटी को सप्लाई करना है, रोटी में से अच्छी चीजें खींचनी है। आपको पता है छोटी आंत में से ही पानी, पानी में से मिनरल्स खींचने हैं, छोटी आंत ने ही दूध में से कैल्शियम खींचना है। मतलब छोटी आंत एक सबसे मेन सप्लायर है, लेकिन आज तक हमने कभी भी छोटी आंत की क्लिंजिंग के बारे में सोचा ही नहीं। आपके घर में पानी वाली टैंकी है, पानी वाली टैंकी की 6 महीने सफाई ना करवाओ, काई जमनी स्टार्ट हो जाएगी। आपके घर में स्कूटी है, बाइक है, आप उसकी सर्विस ना करवाओ, खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आज हमारी उम्र 20 साल हो चुकी है, हमने आज तक कभी भी इसकी क्लिंजिंग के बारे में नहीं सोचा। इस वजह से हमारी छोटी आंत के अंदर गंद इकट्ठा हो रहा है। और हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि अगर हमने अच्छी उम्र जीनी है तो हमारे दांत और हमारी आंत दोनों का साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दांतों के लिए तो आप डेली ब्रश कर रहे हो, लेकिन क्या आप हमारे पास आंतों के लिए कोई ब्रश है? क्या कोई पेट में मारने के लिए ब्रश है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एलोवेरा जेल क्या करता है, जब हम सुबह उठ के खाली पेट पीते हैं, ये हमारी बॉडी के मेन इंजन की क्लींजिंग करता है, मतलब छोटी आंत की सफाई करता है। बाकी मैंने अभी आपको ये बिल्कुल ऊपर ऊपर से बताया है, जब प्रोडक्ट सेशन होगा तो आपने वो पूरा सेशन आपको अच्छे से क्लियर किया जाएगा। ये हमारा एलोवेरा जेल है जो जिसको हम यूज करके स्टार्ट कर सकते हैं, अगर यूज करेंगे तो हमें पता लगेगा। अब बात आ रही है इसके अलावा हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, पर्सनल केयर, स्किन केयर, कॉस्मेटिक के। ये आपको अलग अलग सेशन देखने को मिलेंगे जब आपको क्लियर किया जाएगा। जो अब हमारा आज का टॉपिक है, वो आज का टॉपिक है कि हम लोग इस बिजनेस के अंदर अर्निंग कैसे करेंगे। हम यहाँ पर नेटवर्क बिल्ड करेंगे। पहले मैं आपको नेटवर्क की परिभाषा समझाना चाहूंगा कि नेटवर्क की परिभाषा क्या होती है। मतलब मेरा कहने का ये है कि जो भी एक से ज्यादा इंसान जो भी काम करें, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर काम करें, उसको बोलते हैं नेटवर्क बनाकर काम करना। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग बैडमिंटन वाला जाल खरीदते हो, तो वो छोटे 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 बॉक्स बने होते हैं, छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं, तो वो नेट प्लस वर्क कर रहा है, मतलब एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाए हुए, एक बहुत बड़ा जाल बनाया हुआ है। ऐसे ही हम लोग भी इस बिजनेस के अंदर नेटवर्क बिल्ड करते हैं। आपके मन में शायद कहीं ना कहीं आ रहा हो कि इस बिजनेस के अंदर क्या करना है, इस बिजनेस के अंदर हम लोग कैसे अर्निंग करेंगे, हम लोग इस बिजनेस के अंदर कैसे कामयाब होंगे, हम लोग इस बिजनेस के अंदर पैसा कैसे कमाएंगे। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपको पूरा गेम समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, अब मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि हम लोग अब इस बिजनेस के अंदर किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं।
हाँ जी, अब आपका सबसे मेन टॉपिक अब आपका स्टार्ट हो गया है कि आप लोग इस बिजनेस के अंदर पैसा कैसे कमा सकते हो। अब आपको ये चीज समझनी है, ठीक है जी। हाँ जी, तो आप ध्यान से समझना कि अब आप लोग कैसे इस बिजनेस के अंदर अर्निंग कर सकते हो। हाँ जी, कि अब आपको ये चीज समझनी है कि आप लोग कैसे यहां पर पैसा कमा सकते हो, किस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हो। एक सेकेंड, हाँ जी, तो अभी यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर करनी है कि अब आप लोग यहाँ पर अब आपने इस टॉपिक को ध्यान से समझना है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चनिंग हो, जिन्होंने भी आपको लिंक दिया है वो आपको सब कुछ क्लियर कर देंगे। आपने सिर्फ उनसे पूछना है कि आप यहाँ पर कि किस तरीके से। एक सेकंड, स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा हूँ। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो गया जी अब। हाँ जी, तो अब आपने इस चीज को समझना है कि हमें यहाँ पर आप लोगों को एक बिजनेस बताने के लिए बुलाया गया था कि हाँ जी, हाँ आज हम आपको एक बिजनेस बताएंगे जहां से आप कल को पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। तो आपका क्वेश्चन मार्क ये था कि क्या बिजनेस है। तो हमने आपको बताया कि हम एक यूएसए की कंपनी के साथ हम काम करते हैं जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। फिर हमने आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिटेल दिया, मतलब आपको सबसे पहले प्रोफाइल बताया कि इस कंपनी का बैकग्राउंड जानना जरूरी है। फिर हमने आपको बताया प्रोडक्ट्स, क्योंकि प्रोडक्ट्स के बिना तरक्की करना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर जो सबसे मेन चीज है जिस वजह से आप इस बिजनेस के अंदर आए थे, मतलब कि इनकम, आप यहाँ से पैसा किस तरीके से कमा सकते हो। अब आपको सिर्फ ये चीज समझनी है कि हम यहाँ पर तरक्की कैसे कर सकते हैं, पैसा कैसे कमा सकते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले मार्केट के अंदर अगर कोई भी इंसान बिजनेस करता है, कोई भी इंसान बिजनेस करता है, या तो वो अपनी फ्रेंचाइजियां ओपन करनी स्टार्ट कर देता है या फिर वो प्रोडक्ट सेल करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, आपका एक शोरूम है कपड़े का, आपका एक शोरूम है, ठीक है जी, और इधर से एक रेमंड की फ्रेंचाइजी है। रेमंड की लगा लो या फिर आप नाइकी की लगा लो। तो या तो आप बिजनेस अगर आपको करना है, या तो आप रेमंड नाइकी की तरह फ्रेंचाइजी बांटना स्टार्ट करो। आपको पहले बहुत बड़ा ब्रांड बनना पड़ेगा, बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं। या फिर आप कोई छोटी मोटी दुकान खोल के अपना खुद का कपड़ा बेचना स्टार्ट कर दो। मतलब अगर 800 1000 रुपए की पैंट आ रही है, आगे आप 1200 रुपए की बेच दोगे। अगर आप दूध की डेयरी खोल के बैठते हो, अगर आपका दूध 55 रुपए किलो पीछे से आ रहा है, तो
तो आप आके वो 60 रुपए या 65 रुपए किलो बेच सकते हो। ये दो रास्ते होते हैं मार्केट के अंदर बिजनेस से पैसा कमाने के। लेकिन इन दोनों रास्तों में एक प्रॉब्लम ये है कि ये तो जिंदगी भर आपको चलाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने खुद का ब्रांड बना लिया तो आपको, अगर हम इस दुनिया में नहीं भी रहते तो भी हमें पैसा आएगा। लेकिन ये ब्रांड बनाने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत दिक्कत होगी, बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद भी कोई भरोसा नहीं हमारा काम चले या ना चले। तो आज आपकी जिंदगी में एक चला चलाया ब्रांड आपकी जिंदगी में आया जिसका नाम है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट सेल करना है या नेटवर्क बिल्ड करना है। आप फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में दोनों रास्तों से पैसा कमा सकते हो, मतलब प्रोडक्ट सेल करके भी पैसा कमा सकते हो, नेटवर्क बिल्ड करके भी पैसा कमा सकते हो। बट प्रोडक्ट सेल करने में ये है कि आपको 10 साल के बाद भी प्रोडक्ट्स बेचना पड़ेगा, 12 साल के बाद भी प्रोडक्ट्स बेचना पड़ेगा, 20 साल के बाद भी प्रोडक्ट्स बेचना पड़ेगा। जिस दिन आपने प्रोडक्ट सेल करना बंद कर दिया उस दिन आपका पैसा भी आना बंद हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करते, हम लोग यहाँ पर नेटवर्क बिल्ड करते हैं। नेटवर्क बिल्ड करने के लिए क्या करना होता है थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं आपको बेनिफिट बताऊंगा कि नेटवर्क बनाने के बेनिफिट क्या है, ठीक है जी। नेटवर्क बनाने के बेनिफिट ये है कि एक दिन के अंदर होते हैं जी, देखो 24 घंटे, आप एक दिन के अंदर 10 घंटे काम कर सकते हो या फिर आप लास्ट एक दिन में 12 घंटे काम कर सकते हो, आप इससे ज्यादा काम नहीं कर सकते। जब आप काम 10 घंटे कर रहे हो, जब आप काम 12 घंटे कर रहे हो, तो पैसा भी आपको 10 घंटे का या 12 घंटे का ही आएगा, समझ रहे हो। तो यहां पर अगर नेटवर्क बनाने का बेनिफिट देखो, अगर आपके साथ एक आप हो, अगर आपके साथ 100 लोग काम करने स्टार्ट हो जाएं, तो यहां पर आप एक नहीं 101 बंदे हो जाओगे। अगर वही 101 बंदे 10 10 घंटे काम करना स्टार्ट करेंगे तो अब आप खुद सोच लो कि यहां पर एक दिन के अंदर कितने घंटे काम हो रहा है। इसको बोलते हैं नेटवर्क की पावर। इसको बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है और आपकी उस बहुत बड़ी फैक्ट्री में कार की फैक्ट्री है, एक आदमी आपकी फैक्ट्री में काम करता है और वो 10 दिन के अंदर एक कार तैयार करता है। अगर आपके पास 100 कार का ऑर्डर आ जाए और वो आपको सिर्फ 10 दिन का टाइम दे या 15 दिन का टाइम दे, तो आप क्या करोगे, सिर्फ अपनी लेबर को बढ़ा दोगे। आपको कहानी समझ में ये आ गई कि नेटवर्क अगर हमारा बढ़ जाएगा तो हम लोग जल्दी तरक्की कर सकते हैं। आपके एरिया का कोई भी एमएलए है, आपके एरिया का कोई भी सरपंच है, उसका एमएलए बनने का रीजन, उसका सरपंच बनने का रीजन सिर्फ एक ही है, उसका नेटवर्क अच्छा है। आज 90% लोगों के पास सिम कौन सी है, 90% लोगों के पास सिम है जियो की। जियो का नेटवर्क बहुत अच्छा है। अगर आज आपके सिम का नेटवर्क चला जाए तो आप सिम को बाहर फेंक दोगे। जिसका नेटवर्क अच्छा है उसका नेटवर्थ अच्छा है। तो यहां पर मैं आपको ये बेनिफिट बताना चाहूंगा कि हम इस बिजनेस के अंदर बहुत तरक्की कर सकते हैं नेटवर्क बिल्ड करके। अब सबसे पहले ये बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है, सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है कि बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक आपका लगेगा जी आधार कार्ड, एक आपका लगेगा पैन कार्ड, एक आपकी ईमेल आईडी। यहाँ पर आपको हमारी कंपनी 12 डिजिट की एक आईडी दे देगी, 12 डिजिट की आईडी मिल जाएगी जो कि नेशनल और इंटरनेशनल चलेगी, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता। अब यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग कैसे होगी, स्टार्टिंग में आपको करना क्या है, स्टार्टिंग में आपको सिर्फ कंपनी आपसे ये चीज की डिमांड कर रही है कि सिर्फ आपको ना पहले क्या करना है, फॉर एवर के कोई भी एक या दो प्रोडक्ट्स यूज करने हैं बस, फॉरएवर आपको इतना बोल रही है। भाई आप हमारे साथ बिजनेस करने के लिए आ रहे हो, आप हमारे साथ पैसा कमाने के लिए आ रहे हो। मार्केट के अंदर पैसा कमाने के लिए पहले दुकान लेनी पड़ती है, फिर उसमें फिटिंग करवानी पड़ती है, फिर उसमें 8 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं, उसके बाद सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे दुकान पे सीटिंग देनी पड़ती है, फिर जाकर बंदे को कुछ प्रॉफिट होता है। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में यहाँ पर आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सिर्फ आप एक दो प्रोडक्ट्स यूज करके आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। आप मार्केट के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हो, हमने आईफोन भी खरीदा, वीवो का फोन भी खरीदा, ओप्पो का फोन भी खरीदा, बुलेट भी खरीदा, गाड़ियां भी खरीदी, लेकिन क्या किसी भी कंपनी ने हमें कोई बिजनेस दिया, किसी भी कंपनी ने? बचपन से हम लोग लक्स का साबुन यूज कर रहे हैं, बचपन से हम कोलगेट यूज कर रहे हैं, बचपन से कोको कोला यूज कर रहे हैं, बचपन से एक दुकान से कपड़े खरीद रहे हैं, क्या उसने हमें कोई बिजनेस दिया? कोई बिजनेस नहीं दिया। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट यूजिंग से ही आपको बिजनेस देना स्टार्ट कर देती है, मतलब कि आप यहाँ पर अपना जैसे ही आधार कार्ड पैन कार्ड लगाओगे, आधार कार्ड पैन कार्ड लगाकर आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ कोई भी एक दो प्रोडक्ट्स यूज करने हैं बस।
शुरू शुरू में आपको हमारी कंपनी की तरफ से 5% डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा स्टार्टिंग। ठीक है जी। अब यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, हमारी आदत है, बचपन से आदत है, हम एक मोमोज की प्लेट अच्छी लगती है वो हम 4 बंदों को सुनाते हैं, हमें किसी के कपड़े अच्छे लगते हैं वो हम 5 बंदों को सुनाते हैं, किसी की मूवी अच्छी लगती है वो भी हम 4 बंदों को सुनाते हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है, और हमारी वजह से कोई मोमोज खाने जा रहा है, हमारी वजह से कोई मूवी देखने जा रहा है, हमारी वजह से कोई किसी की दुकान पे कपड़े खरीदने जा रहा है, लेकिन क्या हमारी वजह से वो बंदा तो जा रहा है लेकिन क्या आपके अकाउंट में 1 रुपया भी आ रहा है? शेयर तो आप कर रहे हो, आपने पीके मूवी देखी, पीके मूवी आपको बहुत अच्छी लगी और आपने मुझे आके बता दिया, मैं भी पीके देखने चला गया, लेकिन क्या आमिर खान ने आपको कोई कमीशन दिया? आपके पड़ोस में कोई छोले भटूरे वाला आया और आपने मेरे को बता दिया कि भाई वो बहुत बढ़िया छोले भटूरे बनाता है, मैं वहां से खा के आया, लेकिन क्या आपको कोई कमीशन आया? नहीं आया। तो यहाँ पर जब हम बचपन से लेके अब तक 20 22 साल तक, 25 साल तक, 35 साल तक, 50 साल तक लोगों के ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं बिना पैसे आए, बिना पैसा आए लोगों के ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्या करना है? प्रमोशन करना है कि अगर हमें प्रोडक्ट्स अच्छे लगे हैं तो सिर्फ हमने आगे बताना है। तो यहाँ पर अगर आप किसी को हेल्प देना चाहते हो, मतलब प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहते हो, तो प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हो, प्लस अगर आपको हेल्थ के बारे में नहीं ज्यादा जिक्र करना, अगर आप किसी को वेल्थ के बारे में बताना चाहते हो तो वेल्थ के बारे में बता सकते हो, मतलब कि आप उसको ये बिजनेस भी स्टार्ट करवा के दे सकते हो। तो यहाँ पर जैसे ही आपके टोटल, आप जैसे ही बिजनेस स्टार्ट करना स्टार्ट करोगे, जैसे ही यहाँ पर आपके टोटल 20 प्रोडक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, 20 प्रोडक्ट्स कंप्लीट होते ही एग्जाम्पल के तौर पर एक 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 सीसी होता है, 1 सीसी के अंदर 10 प्रोडक्ट होते हैं, ये जैसे ही आपके 2 सीसी कंप्लीट करने होते हैं, 2 सीसी का मतलब है 20 प्रोडक्ट्स का, जैसे ही आपने बिजनेस किया आपका यहाँ पर 2 सीसी का लेवल कंप्लीट हो जाएगा। ये 2 सीसी का लेवल कंप्लीट करना जरूरी होता है, क्योंकि 2 सीसी का लेवल कंप्लीट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर आपका डिस्काउंट जो 5% है, ये 5% से आपका 30% हो जाएगा, 30% हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर नेटवर्क बिल्ड करने के लिए आ रहे हैं, अगर हमने भी आके किसी को इस बिजनेस के बारे में बताया, बताने का कोई पैसा लग नहीं रहा, यहाँ पर कंपनी आपके अकाउंट में कमीशन डाल देगी 25%। आपका क्या लगा बताने का? पहले भी आप किसी और बिजनेस को प्रमोट कर रहे थे, किसी और के ब्रांड को प्रमोट कर रहे थे, लेकिन आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर फॉरएवर के ब्रांड को प्रमोट करने में आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूंगा, इस बिजनेस के अंदर जैसे जैसे हम आगे बढ़ना स्टार्ट होते हैं, पहले हम यहाँ पर अपना स्टार्टिंग करते हैं आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ, फिर हम यहाँ पर अपना 2 सीसी का लेवल कंप्लीट करते हैं, शुरू शुरू में हमें 5% डिस्काउंट मिलता है, फिर हमें 30% डिस्काउंट मिलता है, और अगर हमने किसी को बताया तो हमें 25% का रेफरल कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाता है, फिर नॉर्मल सी बात है हमारी आदत है, हम आगे धीरे 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 शेयर करना स्टार्ट करेंगे, शेयर करते 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 अपने सर्कल में बताना स्टार्ट करेंगे, धीरे 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 हमारे साथ जो जो बंदे आगे जुड़ते जाएंगे, क्योंकि आप भी किसी न किसी के कहने पे आए हो, आपने भी इस बिजनेस को देखा, इस बिजनेस की स्टडी करी, फिर यहाँ पर हम धीरे 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 यहाँ पर हमारे 25 सीसी हो जाएंगे, हमारा यहाँ पर सुपरवाइजर का लेवल हो जाएगा, ये बिल्कुल सेम रहेगा, यहाँ पर 25% की जगह 33% कमीशन हो जाएगा। सिर्फ आपको ये चीज समझनी है कि आप यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर क्या करने के लिए आ रहे हो, सिर्फ आपको ये चीज समझनी है कि आप इस बिजनेस के अंदर किस लिए आ रहे हो, आप अपनी लाइफ से चाहते क्या हो। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपको पूरा गेम समझ में आ जाएगा, पूरा प्लान समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपना नेटवर्क बिल्ड किया हुआ है और हम लोग भी अपना वाया सोशल मीडिया अपना नेटवर्क बिल्ड करेंगे, ये आपके आगे है, इस बिजनेस के अंदर हम यहाँ पर अपना नेटवर्क बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे, अपने सर्कल को बताना स्टार्ट करेंगे, सर्कल को बताते बताते हमारे साथ कुछ पर्सन जुड़ने स्टार्ट होंगे, हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, और धीरे 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 करते 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 फिर हमारा सुपरवाइजर का लेवल होगा, सुपरवाइजर के लेवल पे हमारा कमीशन 33% हो जाएगा, डिस्काउंट सेम रहेगा, फिर असिस्टेंट मैनेजर हो जाएगा, फिर यहाँ पर 38, और फिर यहाँ पर धीरे धीरे करते करते जब आपका 120 सीसी हो जाएंगे, यहाँ पर आपका मैनेजर लेवल हो जाएगा, आपको इसकी पूरी डिटेल, डीप में डिटेल आपको पूरी बताई जाएगी मार्केटिंग प्लान के अंदर। आ रही है बात समझ में? तो सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, जो आपका बिजनेस की अगर मैं बात करूं, जो मैं आपकी स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपने इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है, अगर आपने इस बिजनेस को अंडरस्टैंड कर लिया तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने में, क्योंकि जो सबसे मेन गेम है वो अंडरस्टैंडिंग का है,
इसको आपने समझा और आपने इस बिजनेस को समझने के बाद आपको स्टार्ट करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज की डेट में मार्केट के अंदर भैया बिजनेस करने बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पहले पैसा लगाना पड़ता है, उसके बाद भी कोई भरोसा नहीं होता कि हमारा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। बट फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर आपको कोई रिस्क नहीं लेना पड़ रहा, कोई आपको लाखों रुपए नहीं लगाने, बिल्कुल सीधा और सिंपल सा बिजनेस है। और सीधा सिंपल सा बिजनेस क्या है, सिर्फ यूजिंग द प्रोडक्ट्स एंड शेयर द बिजनेस एंड शेयर द प्रोडक्ट्स। तो मेरा नाम गगन मेहता है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मैं अपना हरियाणा में टोहाना डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट करके मैंने अपना खुद का टेंट हाउस का बिजनेस स्टार्ट किया मैंने अपने एरिया में, और 2013 में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। 2013 में बिजनेस करते करते मुझे ऐसा फील हुआ, आगे मेरी फैमिली मेरी मैरिज की प्लानिंग कर रही थी, तो मुझे ऐसा फील हुआ भी यार इनकम जितनी मैं चाहता हूँ उतनी इनकम नहीं है। तो मैंने कुछ ना कुछ और पार्ट टाइम ढूंढना स्टार्ट किया। पार्ट टाइम ढूंढते ढूंढते मेरे को किसी ने एक बिजनेस के बारे में बताया, उस बिजनेस का नाम था फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। मैंने शुरू शुरू में इसको पार्ट टाइम में देखा, और पार्ट टाइम में देखते देखते जब मुझे क्लियर हुआ, मैंने इसकी एजुकेशन लेनी स्टार्ट की। जब मैंने पहले दिन इसकी ट्रेनिंग अटेंड की तो मैं थोड़ा सा घर जाके नेगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि ना मुझे इसके बारे में क्लैरिटी थी नहीं, और आपको पता है कि हमारा दिमाग प्री जजिंग बहुत करता है, मतलब सोचता बहुत ज्यादा है, और ज्यादा से ज्यादा नेगेटिविटी ज्यादा सोचता है। तो फिर मेरे सीनियर ने मेरे को क्लियर किया भी, गगन पहले दिन कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि ना हम ना अगर मान लो एक पुलिस वाला रिश्वत लेता पकड़ा गया तो इसका मतलब क्या सारे पुलिस वाले गलत है? अगर एक लड़के ने लड़की छेड़ दी तो सारे लड़के गलत है? नहीं ना, आज की डेट में हमारी हाथों की उंगलियां बराबर नहीं है तो सारी दुनिया भी बराबर नहीं है। तो यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि कंपनी कंपनी फ्रॉड ना हो, कहते ऐसा नहीं होता, कहते अगर हम लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी गरम गरम गुलाब जामुन खा लिया तो क्या हम गुलाब जामुन खाना छोड़ देते हैं या नेक्स्ट टाइम उसको ठंडा करके खाते हैं? तो ऐसे ही गगन कहते कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, तू सबसे पहले इसको देख, इसको अच्छे से समझ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने इसकी ट्रेनिंग लगाई, इसको समझा, मैंने इसके प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लगाई, इसके प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए, मुझे इतना समझ में आ गया कि मार्केट के अंदर भैया बिजनेस बिना पैसों के स्टार्ट नहीं होता। बिना पैसों के छोड़ो, लाखों रुपए लगाए बिना बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। फिर मैंने इसका बिजनेस मेरे को स्टार्ट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मुझे पता था कि बिजनेस के लिए बहुत लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट तो सिर्फ प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए बोल रही है, तो मैंने इसके प्रोडक्ट्स यूज किए। प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद जब मुझे अच्छे रिजल्ट मिले तो मैंने इसका बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। आज मैं वाया सोशल मीडिया इस बिजनेस को कर रहा हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि सोशल मीडिया के थ्रू आप बहुत जल्दी तरक्की कर सकते हो, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू आप अपनी बात को बहुत जल्दी लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हो। अनलिमिटेड एरिया, अनलिमिटेड कस्टमर, और धीरे 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 मैंने इस बिजनेस के अंदर तरक्की करनी स्टार्ट की। आज भगवान की दया से इस बिजनेस के अंदर मेरा जो पहला चेक आया था वो सिर्फ 800 रुपए का आया था, और 800 रुपए के चेक से मैंने इस बिजनेस के अंदर 3 लाख रुपए महीने तक पहुंचा। और बहुत सारी अचीवमेंट्स है, आउट ऑफ कंट्री जाने का मौका मिला, बहुत सारी चीजें हैं। शायद ये मैं आपको अभी ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा, आप सोचोगे क्योंकि आपकी आज पहली ट्रेनिंग है, आपकी बातें ऊपर से ना जाए, क्या पता कुछ समझ में ना आए। तो आपने सिर्फ इसकी रेगुलर ट्रेनिंग अटेंड करनी है। जिन्होंने भी आपको लिंक दिया है आप उनसे बात करो, कोई भी डाउट है आप उनसे क्लियर करो, वो आपको सारी चीजें क्लियर करेंगी। ठीक है जी, तो बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच आप इस सेशन के अंदर आए। जिन्होंने भी आपको लिंक दिया आप उन्हें भी थैंक यू बोलो, क्योंकि उन्होंने आपको बुलाया, आपसे उम्मीद करी कि आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।